सरकारी डूबा। सरकारी डूबा। सुना आपने कैसे शेड्यूल कास्ट में आने वाली डोम जाति का नाम लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री भद्दा मजाक कर रहे हैं। उनकी हंसी सुनकर आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि कैसे दलितों के प्रति वो बेहद गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील रवैया रखते हैं। ये वीडियो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दलित विरोधी मानसिकता को भी बयां करता है। दलितों के अपमान का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब, उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा प्रेस वाला को चंडीगढ़ पहुंच जाएगा गेल पड़े। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम अब चलेगा। सरकारी डूमा। सरकारी डूमा। आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल हरियाणा के गोहाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले सैनी का जोश हाई था और इसी दौरान कांग्रेस की बुरी हार का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का मजाक उड़ाते उड़ाते उन्हें सरकारी डूम कह दिया। हरियाणवी में डोम जाति को डूम कहा जाता है। डोम शेड्यूल कास्ट में आने वाली एक दलित जाति है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इतना भी एहसास नहीं है कि वो किस तरह से दलितों के बारे में बात करें। वो ना सिर्फ दलितों का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं बल्कि उन्हें अपमानित भी कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव में दलितों के वोट पाने के लिए आरक्षण में बंटवारा करने वाले और उप वर्गीकरण को लागू करने वाले नायब सिंह सैनी कितने बड़े दलित हितैषी हैं, इसका अंदाजा आप उनके इस बयान से लगा सकते हैं। डोम जाति वंचितों में भी सबसे वंचित जातियों में से एक है, लेकिन मुख्यमंत्री को उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नायब सैनी को दलित विरोधी करार दिया है। नमस्कार साथियों, एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना पीए तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की, सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। दो प्रश्न मैंने उठाए। पहला प्रश्न, सरकार ली 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत का वायदा करके श्रीमान नायब सैनी जी ने, भाजपा ने और मोदी जी ने, वो 3100 रुपया क्विंटल जो 8 अक्टूबर से मिलना था वो कब देंगे। दूसरा सवाल था, जिस प्रकार से धान की खरीद में किसान की, मजदूर की, मंडी के आड़ती की बेकदरी हुई और राइस मिलर्स के साथ धोखा हुआ, उसका हल निकालने का। और तीसरा सवाल था एनएचएम के 15,000 कर्मचारियों से धोखे का। जैसे ही इन बातों का जवाब नहीं तो वो उल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान भी कर रहे हैं और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर भी कर रहे हैं। मुझे तो फक्र है हरियाणा के डूम समाज पर। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है। वो निर्धन है, साधनहीन है, ये उनका कसूर हो सकता है। पर डूम समाज के बगैर ना हरियाणा के संस्कार और ना संस्कृति चल सकती। पूरे डूम समाज का और दलित समाज का अपमान कर श्रीमान नायब सैनी क्या साबित कर रहे हैं। ये जान लें कि जब तक किसान, गरीब, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, राइस मिलर, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। और हरियाणा के लोगों की आवाज उठाना अगर डूम का काम है तो मैं इसे फक्र मानता हूं, इसे अपने लिए बहुत बड़ी इज्जत मानता हूं। पर अहंकार की कुर्सी से वापस आइए, आपको तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का अधिकार भी नहीं। एक दिन लगाते हैं, अगले दिन उतारते हैं और उसके बाद अहंकार की भाषा में बात करते हैं। चुनाव जीता है पर लोगों के प्रति जवाबदेही खत्म नहीं हुई। श्रीमान नायब सैनी, जवाब मांगते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय हरियाणा।
चुनाव में दलितों के पैर धोकर पीने वाले बीजेपी नेताओं के दिल में दलितों के लिए कितनी हमदर्दी है आप खुद ही समझ सकते हैं। दलित जातियों का मजाक उड़ाना या उन्हें अपमानित करना और जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना SC ST एक्ट के तहत अपराध है, इसलिए नायब सिंह सैनी पर SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। नायब सिंह सैनी की कड़े शब्दों में निंदा भी होनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखिए। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज भी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बी का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बी फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।